हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सबसे ही दिमाग बढ़ाने वाली और आपके दिमाग का एक टेस्ट करने वाली पहेलियाँ, जिसमें मैं आज आपसे 20 पहेलियों के बारे में पूछूंगी, जिनका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड का टाइम दूंगी। देखते हैं आप में से कितने लोग का दिमाग इतना तेज़ है कि वो 5 सेकेंड में इसका जवाब देते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के फ़ोन में आए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली पहेली से। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे का गाँव, बस फिरती बस्ती लोहे के पाँव। क्या है इसका जवाब? आपका टाइम शुरू होता है अब। सो गाइस, टाइम अप हो गया है। इसका आंसर होगा रेल गाड़ी, यानी कि रेल, जो कि हम सभी ने देखी है। उसमें एक के पीछे डिब्बे लगे रहते हैं और अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना। इससे अजब तरह की है कि नारी, उसका क्या करूं मैं विचार, वह दिन में डूबे पी के संग जाग रहे निक बाके संगे, दिया जले तो वह शर्माए डर से रसकर में दूर हो जाए। आपका टाइम शुरू होता है अब और टाइम अप हो गया गाइस। इसका आंसर है परछाई। सिर काटो तो तोला जाऊं, पैर काटे एक वृक्ष कहलाओ, कमर कटे तो जंगल जानो, जरा मुझे तुम पहचानो। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है। इसे बताइए कितना टाइम में कितने क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बटन। नेक्स्ट, तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। उत्तर बताइए गाइस। टाइम अप हो गया है। इसका नाम उत्तर है जहाज। नेक्स्ट, एक चीज ऐसी कहलाए, हर कोई मजबूरी में खाए, पर कैसी मजबूरी खाए, खाकर भी भूखा रह जाए। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाकर भी भूखे रह जाते हैं, मतलब हमारी भूख नहीं मिटती पर हमें मजबूरी में से खाना पड़ता है? इसका आंसर है कसम। वाह वाह, क्या फाहा। परत परत पर जमा हुआ है, इसे ज्ञान ही ज्ञान बसता है, खोलोगे तो इसको जानोगे तुम पहचान। चलिए बताइए क्या है जिसमें ज्ञान जमा होता है, मतलब से कि सोचिए, दिमाग लगाइए। आपका टाइम शुरू हो चुका है और आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। इसका उत्तर है किताबें, किताब। नेक्स्ट है, चार है रानियाँ और एक है राजा, हर कई काम में उनका अपना सजा। बताइए क्या है इसका टाइम शुरू हो चुका है गाइस। आप जल्दी जल्दी इस पे कमेंट करके बताते जाइए, ताकि आपका दिमाग कितना तेज़ है ये हम सबको पता चलते जाए। फिर मैं आपका नाम भी लूँगी, कभी मैं इस पे लाइव क्लासेस भी लेने वाली हूँ। क्लासेस नहीं, मतलब लाइव सेशंस। इसका उत्तर है उंगलियाँ। नेक्स्ट, हमने देखा अजब एक बंदा, सूरज के सामने रहता ठंडा, धूप में जरा नहीं घबराता, सूरज की तरफ मुंह लटक जाता। बताइए क्या है इसका आंसर। आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए गाइस, इसका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर है सूरजमुखी। जहां जहां सूरज जाता है उसी तरफ इसका मुंह अपने आप घूमता है। चलिए नेक्स्ट, सांप से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में भी चिंगारी, जोड़ो हाथ तो निकल घर से, फिर घर पर सिर देकर पटके। बताइए क्या है। टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का। आप लोग जल्दी जल्दी इस पे कमेंट करते जाइए। इसका आंसर है माचिस। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली। चलिए बताइए, ये तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, और इसका आंसर है समोसा। ये बहुत ही फेमस सी पहेली है जो बहुत बारी सुनी हुई होती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और समोसा तो सबको बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट, तीन अक्षर का मेरा नाम, यदि काटे तो चार कैसे हो तुम, मेरे जानू बोलो तुम सोच विचार। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। जानू वानू है इसमें सब। इसका नाम है अचार। हाथ पैर सब जुदा जुदा, ऐसी दे खुदा, जब वह मूरत बंठन हावे, हाथ धरे तो राग सुनाए।
चलिए आपको इसका आंसर बताना है अब। बहुत आसान पहेली है ये, और इसका आंसर है हुक्का। 13th, नेक्स्ट। आवाज है इंसान नहीं, जवान है निशान नहीं, बताइए क्या है? दिमाग लगाइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आवाज़ करती है लेकिन वो इंसान नहीं है, लेकिन निशाना लगाती है लेकिन वो कोई जवान नहीं है? उसका उत्तर है ऑडियो कैसेट। 14th, नेक्स्ट पहेली। एक पहेली सदा नवेली, जो बूझो जिंदा जिंदा, में से मुर्दा निकले मुर्दा से जिंदा। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। देखते हैं हम में से किसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है और कौन इसका सबसे फास्ट आंसर देता है। नेक्स्ट, इसका उत्तर है अंडा। नेक्स्ट, खुशबू है गुलाब नहीं, रंगीन है लेकिन शराब नहीं, सुगंध है कोई प्रेम पात्र नहीं, या जहर है लेकिन गुलाब नहीं। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें खुशबू होती है लेकिन वो गुलाब नहीं होता, रंगीन है रहता है लेकिन शराब नहीं होता, बताइए बताइए। इसका उत्तर है इत्र। हम सभी इत्र इस्तेमाल करते हैं कभी ना कभी, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। नया खजाना घर ले आया, डिब्बे में संसार समाया, नया करिश्मा वे जोड़ी का, नाम बताओ इस योगी का, चलिए बताइए। आप सभी का टाइम शुरू हो चुका है गाइस, और आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि 5 सेकेंड ख़त्म हो चुके हैं। आपने, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका कमेंट में बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। इसका उत्तर है टेलीविजन, यानी कि टीवी, जो हम सभी के घर में होता है। नेक्स्ट पहेली है, ऐसा घोड़ा ऐसा जिसकी 6 टांगे, 2 सूंड और तमाशा देख ऐसा पीठ के ऊपर 2, चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। आपका टाइम शुरू हो चुका है गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी इस पे कमेंट करके मुझे बताइए। और इसका आंसर है तराजू। नेक्स्ट, खरीदने पर कला, जलने पर लाल, सफेद फेंकने पर सफ़ेद, बताओ क्या है? क्या है जिसे हम खरीदते तो वो काला रहता है, जब हम उसे जलाते हैं तो लाल हो जाता है, और सफ़ेद हो जाता है जब वो उसे हम फेंकने के जाते हैं तो? आप लोग दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलने के काम आती है, यानी कि जलाने के काम आती है, यानी कि ईंधन ही होगा। सो आई होप कि आपने इन 5 सेकेंडों में इसका सही आंसर दे दिया होगा। और इसका सही आंसर मैं अब आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है कोयला। आप सभी जानते हैं कि काला कलर का होता है, प्राकृतिक संसाधन है, और जलाते हैं तो लाल लाल हो जाता है, और जब इसकी आग बुझ जाती है तो राखड़ बन के फिक जाता है। नेक्स्ट, आगे से गांठ गठीला, पीछे से वह टेढ़ा, हाथ लगाए कहकर खुदा का, बूझ पहेली मेरी। चलिए दिमाग लगाइए और इसका आंसर दीजिए आप सभी मुझे। चलिए इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। और इसका आंसर है बिच्छू। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पहेली, गुटरगु भाई गुटरगु रंग सटेली, छत पर हूँ दाना से को तो मुन्ने, आ जाऊँ आंगन में। चलिए देखते हैं गुटरगु कौन करता है। बहुत ही आसान पहेली है, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अब तक तो दे ही दिया होगा। इसका सबसे बड़ा सुराग तो इसके गुटरगु में ही है, गुटरगु मतलब से कि कबूतर करते हैं गुटरगु, और इसका आंसर है कबूतर ही। सो गाइज, इसी के साथ हमारी आज की 20 पहेलियाँ ख़त्म होती है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक इट, कमेंट्स ऑन दिस, कमेंट करके मुझे इसके सारे आंसर दीजिए। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और उनके साथ भी जो आपके दोस्त नहीं हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, शायद वो आपकी वजह से हंस दे किसी बहाने। और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस पहेली के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दूंगी, जिसमें आपको जाकर ऐसे ही बहुत सी और पहेलियाँ और जानकारी दी जाएगी एजुकेशन से रिलेटेड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब पंडोले स्टडीज़।